ये जो कैमरा है ये आपके फोन से पूरी तरीके से आराम से एक्सेस हो जाता है। आप इसे चाहो जैसे पैन टिल जूम वगैरह आपके फोन से ही कर सकते हो। और इसकी बात करें इसकी क्लियरिटी की, तो इसकी क्लियरिटी जो है हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे दूसरे टेक ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा इस सोलर कैमरा के बारे में। ये सोलर पैनल और सोलर कैमरा के बारे में आपको मैं आज बहुत सारी बातें बताऊंगा। और मुझे आप ये बताना कि ये जो मैं टेक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये आपको कैसी लग रही है। यहाँ फिर से वो अपने ग्रीन स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाए, तो आज मैं ऑफिस में हूँ। एक्चुअली 6 बज गए अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है, मैं आया था 9 बजे और 3 घंटे रुकूंगा, 12 घंटे काम करूंगा, बहुत सारा पैसा छापूंगा, फिर ही घर जाऊंगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा इस सोलर कैमरे के बारे में ढेर सारी बातें हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी आई में। तो ये रहा हमारा सोलर पैनल और ये रहा हमारा कैमरा, और ये दोनों मिलाकर हो गए सोलर कैमरा। और ये जो सोलर प्लेट है वो अगर आपको इसमें इंस्टॉल करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, कैमरे के यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आपको, तो यहाँ पे सिंपली ये सी टाइप केबल यहाँ पे प्लग करनी है। तो ये जो सोलर पैनल और कैमरा है वो जुड़ जाएगा, और इस सोलर पैनल से पे जैसे जैसे धूप आएगी तो ये इसकी जो बैटरी है जो यहाँ रहती है वो चार्ज करते रहेगा। और इसके बाद ये रहा हमारा कैमरा, और इसमें अगर आपको मेमोरी कार्ड वो अगर सिम कार्ड डालना है तो देखिए यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, तो यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। और यहाँ पर आपके पास जो भी 4G 5G सिम है वो सिर्फ आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। देखिए जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया और इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो मैं फिलहाल सोलर ये जो पैनल है वो निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने पहले ही इसको चार्ज करा हुआ है इसकी बैटरी, तो मैं निकाल देता हूँ। और अगर आप ये वाला जो अगर ऑप्शन यहाँ से अपन ये ओपन करें, ठीक है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं इसे कर देता हूँ ऑन, और आपको एक बार करके दिखाता हूँ इसको अपने फ़ोन पर, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन, तो देखिए ऑन हो रहा है। और आपको एक एप्लीकेशन भी इसके लिए डाउनलोड करनी है, ये ट्रू क्लाउड वाली, ये ट्रू क्लाउड जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अकाउंट ओपन करके भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, या देखिए यहाँ पे एक छोटा एक नीचे ऑप्शन दिया गया है अगर आपको दिख रहा है, देखिए तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते तो आप ये ऑप्शन का यूज़ करके सीधा विदाउट अकाउंट भी इस कैमरे को जो है एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है अलाउ कर देता हूँ। और ये जो स्कैन टू ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा फ़ोन का कैमरा जो है वो ओपन हो गया देखिए। और आपको यहाँ पे एक QR कोड दिखाई देगा, तो ये सिंपली स्कैन करना है, देखिए स्कैन हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको जानना है इसके बारे में और बातें, तो मैंने इसके ऊपर और एक वीडियो बनाया है कि ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल मैंने एक और वीडियो में भी बन दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए हो गया, सिंपली ये कैमरा अब एक्सेस हो जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये अभी फुटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आप इसे आराम से रोटेट वगैरह कर सकते हैं, देखिए देखिए मैं इसे फोन से रोटेट कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको इसके अंदर जो है आपको सारे फंक्शन मिल जाते हैं, अलार्म, मोशन सेंसर, और इसकी जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी है जैसे कि आप देख रहे हो। और इसमें आपको 2-way कम्युनिकेशन भी मिल जाता है, तो ये कैमरा जो है वो बहुत यूजेबल है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, जय हिंद।